तारीख 10 अक्टूबर सन 2022 दिन सोमवार। टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली से मैं हूं आपके साथ आपका हम मिजाज हरफन वाला हम जवान संजीव चौहान। आज दो टूक खरी खरी बेबाक बात। हिंदुस्तान के चालबाज पड़ोसी और अमेरिका से मक्कार देश के दुश्मन नंबर वन तथा खाक पाकिस्तान के मौका पर दोस्त नंबर वन चीन की, उसी चीन के चेहरे पर से भारत द्वारा बेखौफ नकाब पलटने की बात। जो चीन दुश्मनी में तो विश्वास रखता ही है, दोस्तों का भी, मगर जो चीन कभी सगा नहीं हुआ। विवाह खरी खरी बात उसी मक्कार पड़ोसी चीन की, जो सोते जागते अपनी बेइज्जती कराने पर तो आमादा रहता है, मगर शांति से रहना जिसकी कभी फितरत में ही शामिल नहीं हो सका। ऐसे मक्कार चीन के चेहरे पर मौजूद नकाब पलटने से बाहर निकले उसके इस खूंखार चेहरे पर अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर इस कदर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है कि जिसकी गूंज दुनिया के कानों में आइंदा भी ना मालूम कब तक गूंजती रहेगी। चीन के खुले चेहरे पर ये थप्पड़ जड़ा हिंदुस्तानी हुकूमत का इस वक्त दुनिया में परचम लहराने के लिए मशहूर हो चुके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सोमवार यानी 10 अक्टूबर 2022 को चेहरे पर जड़े गए इस थप्पड़ से चीन के गाल पर मौजूद लाल निशानों का आलम यह है कि वे चीन में बने किसी भी कपड़े से मिटने या कम होने को राजी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे में चीन की मुश्किल यह है कि वो भारत से अपने गाल पर हासिल इस थप्पड़ की चोट को ना तो सह सकता है, ना ही हिंदुस्तानी थप्पड़ से ही बेइज्जती की बात वो किसी से जमाने में रो या गा सकता है। चीनी ड्रैगन के ऊपर हिंदुस्तान के इस खुलेआम जोरदार प्रहार ने उसे न जीने लायक छोड़ा है न ही मरने के काबिल, वो भी उस बुरे दौर में जब चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते लंबे समय से खिंची हुई तलवारें मयानों के भीतर जाने को राजी ही न हो रही हों। चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश एक दूसरे पर वार दर वार कर रहे हैं। बीते दिनों ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऑकस डील के खिलाफ IAEA में प्रस्ताव पेश कर डाला था, जिसे भारत ने मगर अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से विफल कर दिया और चीन भारत के उस दांव को मुंह फैलाए सिर्फ खड़े खड़े देखता ही रह गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने चीनी ड्रैगन की हिंद महासागर में मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयशंकर ने अपनी जुबान पर चीन का नाम लिए बिना ही कह डाला कि कोई देश किसी दूसरे देश की नौसैनिक ताकत का आंकलन इस आधार पर करता है कि उसका इरादा क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है और वो देश कितना पारदर्शी है। हिंदुस्तानी हुकूमत के सिरमौर और दुनिया भर में अपनी बेबाक दो टुक खरी खरी बयानी के लिए चर्चित जयशंकर ने तो यहां तक कह डाला है कि हिंद महासागर में विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति से सुरक्षा बढ़ी है। ऑकस डील पर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया और बोले कि IAEA डायरेक्टर जनरल ने निष्पक्ष आकलन किया था कि आखिर पूरा मामला है क्या और भारत ने जिसका सम्मान किया, साथ ही अन्य सदस्य देशों से भी ऐसा करने के लिए जयशंकर ने कहा। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी बोंग बेबाकी से बोले कि भारत के साथ रिश्ता ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे इलाके को आकार देने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के बयान का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम पुतिन के साथ PM मोदी द्वारा चिंता जताए जाने के कदम का स्वागत करते हैं और जैसा कि भारतीय PM ने कहा कि यह समय युद्ध करने का नहीं है। पेनी वोंग ने चीन की ओर उंगली उठाते हुए खुलकर कुछ न कहते हुए भी इशारों इशारों में ही मगर काफी कुछ यानी सब कुछ कह डाला कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश हावी हो और न ही कोई भी देश किसी दूसरे देश के वर्चस्व का शिकार हो। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री वोंग ने ऑकस डील पर तो यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की परमाणु बम बनाने की योजना हाल फिलहाल तो रत्ती भर नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का यह बयान ऐसे समय पर बाहर आया है जब दोनों ही देशों ने संयुक्त रूप से चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के परमाणु पनडुब्बी खरीदने के लिए किए गए ऑकस समझौते पर चीन की चाल को फेल कर दिया था। ऑकस डील के तहत ही ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से परमाणु पनडुब्बी मिलना तय हो चुका है। चीन ने इस डील को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करार देते हुए खूब हो हल्ला मचाया था। ड्रैगन ने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाकर काफी समय तक अपना राग रोया गया था। हालांकि उसके उस रुदन क्रंदन का असर किसी पर भी नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि चीन के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। दुनिया जहान से जुड़े मुद्दे पर पेश पॉडकास्ट की इस कड़ी में अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की भी तो बेबाक बात
लिखते जाइए।